हमारे सीनियर्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है जिन्होंने इतने कम दिनों में इतनी अच्छी डेकोरेशन करी। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हम इतना अच्छा सरप्राइज एक्सेप्ट कर सकते। हमारे जो नर्सिंग प्रोफेशन एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और इसमें बच्चे जो हैं वो दूसरों की सेवा भावना में लगे होते हैं, तो ये दिल से सेवा भावना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, हमारे कम्युनिटी की, हमारे देश की हेल्प करें। जो भी इवेंट्स होते हैं उस पर पार्टिसिपेट उनको एक्टिवली करना चाहिए और स्टडी पर भी एज वेल फोकस करना चाहिए। आगे की ये जो जर्नी है नर्सिंग प्रोफेशन की, उनके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हो। हेलो एवरीवन, दिस इज जतिन सोपती एंड यू आर वॉचिंग खबरीलाल टीवी। So today I came to a very famous hospital, college as well, Mohandai Oswal College and Hospital. So आज यहाँ पर है इनकी freshers party, क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग medical profession में जाते हैं they are said to be the part of the God's field, yeah, क्योंकि भगवान का दूसरा नाम ही doctor होता है और जो उस profession में जाता है, उस field में जाता है, वो भी कहीं ना कहीं उसी line में ही है। So today we have the students as well with us, जिनसे हम जानेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मैम आपका नाम क्या है? काजल अरोड़ा। आपने किसके लिए एनरोल किया? GNM। आप सीनियर हो या जूनियर हो? सीनियर, सेकंड ईयर में। लग नहीं रहे वैसे। नहीं, बट मैं सीनियर हो चुकी हूँ। ओके, तो क्या संदेश दोगे अपने जूनियर्स को? यही कि अच्छे से पढ़ो और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करो, लेकिन स्टडी को पहले दिन इम्पोर्टेंस दो। पार्टिसिपेट भी करना चाहिए क्योंकि हम जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतने हमारी एक्टिविटीज अच्छे से होंगी। स्पोर्ट्स भी अच्छा है, अगर फ्रेशर्स आ रही है उसमें भी करना चाहिए। काफी फंक्शंस होते हैं हमारे कॉलेज में, काफी अच्छा कॉलेज है हमारा। ओके, तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम कशिश वर्मा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी फ्रेशर भी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज की हुई थी और कोई भी लैक जो हुए थे पिछली बार वो हमने इस बार कवर करने की बहुत कोशिश की है कि हमारा बहुत अच्छा इवेंट हो और हमारे जो जूनियर्स हैं वो बहुत ही स्पेशल फील हो इस डे पे, तो इसलिए हमने बहुत अपनी मेहनत की है। आपका नाम क्या है? रशन जवंदा। आपको कैसा लग रहा है? आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस फ्रेशर्स पार्टी। वी आर द सीनियर्स ऑफ आवर जूनियर्स एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मैम आपने किस कोर्स के लिए एनरोल किया है? BSc नर्सिंग। तो आप अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि जैसे आगे सक्सेस पाने के लिए हम पढ़ रहे हैं, वैसे आप भी बहुत अच्छी मेहनत करो कि अच्छी ट्रेन्ड नर्स बने, अच्छी प्लेटफॉर्म। फन भी इम्पोर्टेंट है इस मेडिकल फील्ड में आके। हमें ये हो जाता है कि बहुत हमारी लाइफ टफ हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता अपने के लिए, पर जो भी इवेंट्स होते हैं उस पर पार्टिसिपेट उनको एक्टिवली करना चाहिए और स्टडी पर भी एज वेल फोकस करना चाहिए। So we do have the boys as well of this college. चलो उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अस्तित्व एडवर्ड है। आप जूनियर हैं या सीनियर हैं? मैं सीनियर हूँ। आपने किस कोर्स के लिए एनरोल किया? मैंने BSc नर्सिंग के लिए एनरोल किया है। और आप अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं अपने जूनियर से कहना चाहूंगा कि अच्छे से पढ़े, क्योंकि सप्ली 5.5 नंबर से भी आ जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ मेहनत से भी करें। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियांशु सिंह है। आप अपने जूनियर्स को क्या कहोगे? यही कि ढंग से पढ़े, मन लगा के पढ़े, तो और ताकि आपकी सप्ली ना आए, क्योंकि अगर सप्ली आ जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता बच्चों के लिए। ऐसा लग रहा है आप तीनों एक्सपीरियंस हैं इसमें। सही बात है। तो आज हमारे साथ मोहनदय हॉस्पिटल ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल डॉक्टर स्वप्ना भी हैं। सो मैम पहले तो बहुत बहुत थैंक यू खबरीलाल टीवी में आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। सो मैम अपने स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, पहले तो ये बताएं। सबसे पहले सबको नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे जो नर्सिंग प्रोफेशन एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और इसमें बच्चे जो हैं वो दूसरों की सेवा भावना में लगे होते हैं, तो ये दिल से सेवा भावना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, हमारे कम्युनिटी की, हमारे देश की हेल्प करें। ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि बाहर के देशों में जाकर भी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, उनकी बीमारियों में, उनके डिप्रेशन में उनका पार्टनर बन के उनको सपोर्ट करें। खास है क्योंकि हमारे जितने भी नए बच्चे यहाँ पर आए हैं, जैसे हमारे पोस्ट बेसिक के बच्चे हैं, हमारे GNM के बच्चे हैं और हमारे BSc के बच्चे हैं, उनके लिए यही है कि वो आज का दिन हम उनका वेलकम करते हैं और उनके लिए ये दिन, आगे की ये जो जर्नी है नर्सिंग प्रोफेशन की, उनके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हो और बहुत कुछ अपने लाइफ में वो अचीव करें, जैसे कि पूरे वर्ल्ड को फेस कर सके और लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन बेस पर उनकी हेल्पफुल बन करके साबित हो। थैंक यू मैम। नाउ वी हैव द फ्रेशर्स ऑफ दिस फ्रेशर्स पार्टी, जिसके लिए ये सारा इवेंट हो रहा है।
हमारे साथ। तो मैम आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कोमलप्रीत है, मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा इंतजाम किया आपके सीनियर्स ने? सर बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन की है सीनियर्स ने, हमारी एक्सपेक्टेशन से भी मतलब के ऊपर है, तो इसलिए हम बहुत ही एक्साइटेड है हमारी फ्रेशर के लिए। मैम आपका नाम क्या है? आई एम तनुप्रिया फ्रॉम GNM फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो आपको कैसा लग रहा है? हमारे सीनियर्स बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग है, जिन्होंने इतने कम दिनों में इतनी अच्छी डेकोरेशन करी, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हम इतना अच्छा सरप्राइज एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर उन्होंने बहुत अच्छा करा। इट्स अ वेरी चीयरफुल एंड ग्रेटफुल टू आवर सेल्स एंड थैंक यू सो मच सीनियर्स टू डेकोरेट एंड इनवाइटेड अस फॉर दिस। और रैमवॉक की तैयारी है? यस, रैमवॉक की पूरी पूरी तैयारी है, और आज हम सबके साथ मिलके सोच रहे हैं कि कुछ नया करें, कुछ दिखाए कि हमें भी कुछ टैलेंट है, कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंदर सिंह है। आपकी तैयारी है रैमवॉक की? पूरी तैयारी है। क्या लगता है जीतोगे? जीतेंगे सर। सर आपको कैसा लग रहा है? इट्स रियली वेरी अप्रीशिएटिंग एंड कमेंडेबल, जिन्ना भी साडे सीनियर्स ने आ किता होया, काफ़ी अप्रीशिएटिंग आ, उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क नाला सारा कुछ किया साडे लई किता होया, ते असी उन्हां दे बहुत ज़्यादा थैंकफुल। ओके, सो दीज वर द जूनियर्स ऑफ फ्रेशर्स ऑफ मोहनदाई ऑसवेल हॉस्पिटल एंड कॉलेज। तो दोस्तों बने रहो खबरीलाल टीवी के नाल। धन्यवाद।